हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज रवि शुक्ला और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 20 मिनट सीरीज। 20 मिनट सीरीज में आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो देखो बिल्कुल मजा आने वाला है। मैं हूँ रवि शुक्ला, आपका होस्ट दोस्त फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी एलुमनाई। ठीक है, तो यार क्या करने वाले हैं आज? जो भी करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन आप टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन कर लेना सो दैट यू कैन गेट नोट्स। और बच्चों, अगर अभी तक आपने प्लस ज्वाइन नहीं किया तो बिल्कुल कर सकते हो। इसमें आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, वीकली टेस्ट सीरीज और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। बच्चों, आइकॉनिक में आपको मिलता है पर्सनल गाइडेंस बाय द टॉप एग्जाम एक्सपर्ट, और आपको उसी हिसाब से आपके खुद के लिए पर्सनलाइज्ड स्टडी मटेरियल मिलता है। बच्चों, टेस्ट की आप जो भी दोगे उसकी एनालिसिस मिलेगी आपको, और जो भी स्टडी आपका प्लानिंग होगा उसकी बाई वीकली रिव्यू होती रहेगी। स्टडी प्लानिंग आपके लिए स्पेसिफिकली बनाया जाएगा और एक्सपर्ट गाइडलाइंस आपको समय समय पर बूस्टर वर्कशॉप के थ्रू मिलती रहेगी। बच्चों, प्राइसेस देखो आप 12 मंथ 18 मंथ और 24 मंथ के लिए, जैसे जैसे आपके ड्यूरेशन बढ़ते जाते हैं प्राइसेस कम होते जाते हैं। इनफैक्ट 24 मंथ के लिए अगर आप देखोगे तो 2100 पर मंथ तक हो जाते हैं। ठीक है, आपको कोड यूज करना है रवि एस। आइकॉनिक के लिए अगर आप देखो यहाँ भी प्राइसेस जैसे जैसे आपका ड्यूरेशन लॉन्गर है आपके लिए अच्छा होता जाएगा। और आप देखो 12 मंथ के लिए 58,500, 18 मंथ के लिए 72,000, 24 मंथ के लिए मात्र 90,000 पर मंथ। अगर आप देखो तो 3,750 आपको पड़ रहा है। अब अगर हम देखें बच्चों सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर मतलब आधा कंडक्टर। इसका मतलब है कि कंडक्टर तो रहता है लेकिन कम टेम्परेचर पे नहीं रहता है। टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे तो कंडक्टर बढ़ते जाता है, कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से बच्चों इसका रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टिविटी कम होती जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कम होती जाती है। ऐसा क्यों होता है तो आगे देखेंगे। नॉर्मली बच्चों कंडक्शन बैंड होता है, वैलेंस बैंड होता है। वैलेंस बैंड उसको बोलते हैं वो आखिरी बैंड जहां तक इलेक्ट्रॉन पाए जाए, और कंडक्शन बैंड कहा किसको बोलते हैं तो यार दो अगर मॉलिक्यूल्स रखे हैं तो उनके कॉमन जो बैंड होते हैं उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो इसका मतलब है कि कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्ट कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों अगर अगर ये जो वैलेंस बैंड हो और कंडक्शन बैंड हो ये क्या करे, ये ओवरलैप करे, इसका मतलब है वो कंडक्टर है। ठीक है, लेकिन सेमीकंडक्टर में ओवरलैप नहीं करता, इनके बीच में कुछ गैप होता है। अगर 0 केल्विन में देखोगे तो काफी गैप है। कितना होता है ये गैप? ये 1 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होता है। अब देखो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि यार ये कुछ एनर्जी पार कर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में, इसी कारण से नीचे बन जाता है होल वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें जब कंडक्शन होता है बच्चों इसके चार्ज कैरियर हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स और हो गए होल्स, ये दोनों ही चार्ज कैरियर्स है। वैलेंस बैंड में चार्ज कैरियर्स है होल्स, कंडक्शन बैंड में चार्ज कैरियर्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्शन कैसे होता है समझते हैं। अगर एक बैटरी लगा दिया जाए इस साइड पॉजिटिव और इस साइड नेगेटिव, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव की ओर आएंगे, कुछ इधर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर की ओर आएंगे, उसी कारण से करंट इधर फ्लो करेगा। और ये जो होल होते हैं बच्चों, ये होल एक्चुअली चार्ज नहीं होता, ये होता है लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो होल होते हैं ना इसको फुलफिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि होल इधर जा रहा है, एक्चुअली होल कुछ नहीं है, होल इज लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहाँ एक होल बन गया इलेक्ट्रॉन के जाने से, तो इस होल को फुलफिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहां से इधर जाएगा, तो ऐसा लगेगा हमें कि होल किस डायरेक्शन में जा रहा है, और इसके कारण से भी एक करंट हुआ। तो करंट जो है दोनों के कारण हुआ, इलेक्ट्रॉन के कारण से भी और होल के कारण से भी। ठीक है, तो इस तरीके के सेमीकंडक्टर को बोलते हैं अपन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये क्या होते हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे चीज। ठीक है, अब इंट्रिंसिक मतलब जो मटेरियल खुद ब खुद है उनको बोला जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इनमें बच्चों जितनी डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की होती है उतनी ही होल की होती है, और इसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी। ठीक है, 10^8 एटम्स में 1 इलेक्ट्रॉन होल पेयर पाए जाते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही होल कैरियर पाए जाएंगे। बच्चों क्लियर हुआ ये चीज की नहीं हुआ आप लोगों को? इज इट क्लियर टू यू ऑल? आगे बढ़े। अच्छा, तो हमको यह देखने को पता चला कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होती है बच्चों वो टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है। ये क्वेश्चन परीक्षा में आ चुका है। क्लियर हो गया? अच्छा, और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच के गैप को क्या बोलते हैं? फर्मी एनर्जी गैप बोलते हैं। ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें बैंड गैप आपको दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में देखो बैंड गैप दिया हुआ, अच्छा निकालना है। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए कुछ एनर्जी लग रहा है हमें, वो लाइट के थ्रू मिल रहा है। तो लाइट के थ्रू मिल रहा है तो कितना एनर्जी है उस लाइट का? Sc/λ रहेगा, इतना ही बीच का गैप होगा।
ठीक है। तो ये 1240 डिवाइडेड बाई 1280 कर सकते हो आप, तो इससे आपका आंसर आ गया फर्स्ट। इतना गैप है बच्चों, ठीक है। बैंड गैप ये मैक्सिमम किसमें होगा, इंसुलेटर में होगा। क्लियर हुआ? ओके। और देखा जाए तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है बच्चों, चार्ज कैरियर्स के नंबर्स बढ़ जा रहे हैं, इस कारण से वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। और एक चीज है, अब हम आगे चलते हैं ये जानने के लिए कि कितने टाइप के होते हैं सेमीकंडक्टर। दो टाइप के, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब जो खुद अपने नेचर के कारण से सेमीकंडक्टर है, और एक्सट्रिंसिक कि और ज्यादा अच्छा सेमीकंडक्टर बनाना है आपको, तो कुछ आप डोपिंग करते हो, कुछ मिक्सिंग कर देते हो, ठीक है। तो 14th ग्रुप एलिमेंट जो होते हैं वो रहते हैं इंट्रिंसिक, जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम, इसमें फर्मी एनर्जी गैप है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम में है 0.7। अगर इसमें ट्राइवेलेंट अगर अपन इंप्यूरिटी डाल दें तो फिर क्या बन जाता है, पी टाइप। अगर पेंटावेलेंट डाल दें, पेंटावेलेंट में क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से नेगेटिव टाइप या एन टाइप बन जाएगा। ट्राइवेलेंट डालने से क्या होगा कि एक बॉन्ड नहीं बनेगा तो एक होल एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए पी टाइप बनेगा। क्लियर हो गया है? इज इट क्लियर टू यू ऑल बच्चों? अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि कार्बन जो है सेमीकंडक्टर क्यों नहीं है। तो कार्बन में भी कार्बन भी टेट्रावेलेंट है, कार्बन भी टेट्रावेलेंट है, लेकिन वो नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों सेकेंड ऑर्बिट में रहते हैं, इस कारण से, ठीक है। थर्ड ऑर्बिट के बाद ही संभव हो पाता है, सेकेंड ऑर्बिट में नहीं हो पाता। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे कंडक्शन होता है वो देखेंगे। उसके पहले बच्चों कंडक्टेंस का फॉर्मूला देख लो आप। ये फॉर्मूला आपको पहले ही पता होना चाहिए, किस केस में। अगर हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी होगी तो यहां पर हमने देखा था J इज इक्वल टू सिग्मा E, J इज इक्वल टू NeVd, और इन फॉर्मूलों को कंबाइन करने से हमें सिग्मा इज इक्वल टू मिल जाता है। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी है, N ये होता है चार्ज डेंसिटी, E चार्ज, और म्यू होती है मोबिलिटी, ठीक है। तो देखो यार, कंडक्टेंस जो है नॉर्मली कंडक्टर्स में केवल फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, बट यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण से भी होता है और होल के कारण से भी होता है। होल्स की मोबिलिटी कम होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी से, ठीक है। ओके, तो नेट कंडक्टिविटी आप ऐसे निकाल सकते हो, नेट रेजिस्टिविटी क्या होगी, इसका इनवर्स। ओके, चलो एन टाइप सेमीकंडक्टर देखो कैसा होता है कि देखो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया, ये इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से जा सकता है कंडक्शन बैंड में। तो देखो होल एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा इससे हमको, केवल क्या मिलेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस कारण से इस टाइप की इंप्योरिटी बढ़ाने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं होल से, ठीक है, और वो बन जाते हैं मेजर चार्ज कैरियर्स, ठीक है। तो देखो पहले जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है सेमीकंडक्टर को होल बनाने के लिए नीचे से ऊपर जाते थे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता था और एक होल मिलता था। अब देखो, अब जो डोनर है उसका एनर्जी गैप कंडक्शन बैंड के एनर्जी गैप से काफी कम है, तो थोड़े से एनर्जी पाकर भी ये जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर चला गया, तो ये गैप काफी कम हो गया। ये जो फर्मी एनर्जी गैप है डोनर के बीच का और कंडक्शन के बीच का, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। पी टाइप में देखिए तो क्या होता है, पी टाइप में क्या होता है बच्चों कि देखो ये बोरॉन है, ये ट्राइवेलेंट है, इसमें एक एक्स्ट्रा होल है, तो इस होल को फुलफिल करने के लिए दूसरे जगह से इलेक्ट्रॉन आते जाते रहेंगे, तो जितना ज्यादा बोरॉन डालोगे उतना ही ज्यादा होल बना, लेकिन उसके कारण से फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ा। फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे आया, यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया ऊपर कंडक्शन बैंड में, तो यहां बन जाता है होल, यहां बन जाता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन बोरॉन के मिलाने से फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बना, एक्स्ट्रा हमें होल मिलते हुए, इसलिए पी टाइप हो जाता है, ठीक है। यहां क्या हो गया, ये किस टाइप का इंप्योरिटी है, ये एक सेक्टर टाइप का इंप्योरिटी है। अब पहले होल कैसे बनता था नॉर्मली समझो आप, पहले होल बनता था जब कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन जाते थे, सॉरी वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जाते थे कंडक्शन बैंड में। अब होल कैसे बन जा रहा है यार, अब आपको केवल वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा ऊपर ले जाना है, तो अब यहां पर जो एनर्जी गैप है वैलेंस बैंड और ये जो नया जो आ गया एक्सेप्टर लेवल, इसके बीच में एनर्जी गैप बहुत कम है, इसलिए अब आपको कंडक्टिविटी बढ़ती हुई महसूस होती है, ठीक है। ओके, अब ये इसको बोला जाता है बच्चों मास एक्शन लॉ, इससे आप अपना चार्ज कंसंट्रेशन पता कर सकते हो। अब देखो कोई भी टाइप का चाहे सेमीकंडक्टर हो, चार्ज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज कंसंट्रेशन ऑफ होल इज इक्वल टू एन आई, जो होता है इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन का स्क्वायर के बराबर हो, ठीक है। चाहे सेमी कंडक्टर इंट्रिंसिक हो चाहे एक्सट्रिंसिक हो, अगर इंट्रिंसिक होगा तो एन ई और एन एच तो बराबर हो जाएगा,
अब दोनों बराबर हो गए, इसके बराबर हो जाएगा, एन आई के बराबर हो जाएगा। और अगर एक्सट्रिंसिक है तो हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो चलो ये क्वेश्चन अब आपके सामने है, रेडी हो बच्चा क्वेश्चन बनाने के लिए? ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, देखो आप क्वेश्चन को जल्दी से, ठीक है? ओके, तो देखो अगर एंटीमनी को अपन जर्मेनियम में मिला दें तो क्या होगा, इस क्वेश्चन को मत सोचो, बस ऐसी बता रहा हूं, तो क्या होगा? तो बच्चों एंटीमनी की मिलाने से क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, है ना, क्योंकि एंटीमनी कौन से ग्रुप का है, 15th ग्रुप का है, पेंटावेलेंट है। ओके, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में है कि सिलिकॉन क्रिस्टल है, पर मीटर क्यूब में इतना है, ठीक है, इट इज डोप्ड 1 ppm, पेंटावेलेंट कोई चीज मिलाया गया है इसमें, ठीक है, 1 ppm। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, एन आई दिया हुआ है, हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स, कैसे निकाल सकते हैं? तो हम ये मानेंगे कि जो इंप्यूरिटी है वही टोटल रहेगा, जो इंप्यूरिटी है उतना ही टोटल रहेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पेंटावेलेंट के मिलने से कौन सा टाइप का बनेगा, एन टाइप का बनेगा। तो अगर आपको जानना है कि आप, अगर आपको जानना है कि एन ई कितना है, तो सीधी सी बात है जितना डोपिंग किया गया है उतना है, जितना डोपिंग किया गया है उतना है, ठीक है। ओके, तो कितना डोपिंग किया गया होगा, तो देखो यार 5 × 10⁸ और 1 ppm है, तो 10⁶ से आप भाग कर दो, इतना डोनर एटम मिलाया गया है पर मीटर क्यूब, क्लियर हो गया, Ne आपको मिल गया, ये कितना आ गया, ये आ गया 5 × 10⁰, इतना इलेक्ट्रॉन्स है, इतना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। अब आपको NH चाहिए, तो ये कैसे निकल जाएगा, Ni का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Ne, ओके, तो 1.5 × 1.5 × 10⁻¹⁶ × 10⁻¹⁶ डिवाइडेड बाय 5 × 10⁰² कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी, ये आ जाएगा 2.25 ÷ 5 × 10⁻¹⁰ होल्स पर मीटर क्यूब। ओके, तो आप आगे देख सकते हो, इसमें कोई अब ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, आगे बढ़े आप क्वेश्चन में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब देखो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें दिया हुआ है, कुछ कुछ बताया, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप है तो केवल जो टोटल करंट होगा ना वो किसके कारण होगा पता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, होल्स के कारण से जो करंट रहेगा वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर आएगा, क्लियर हो गया। हमें फाइनली निकालना क्या है, रेजिस्टिविटी निकालनी है, रेजिस्टिविटी क्या होती है मैंने बताया था 1/कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला एनई म्यू एनई इंटू म्यू। अब देखो होल का भी अपन को लिखना था लेकिन उसके कारण से कोई करंट बहेगा ही नहीं, तो उसके कारण से कुछ लिखने का मतलब ही नहीं है। कितना है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है 10⁻¹⁹, एक चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.106 × 10⁻¹⁹, और मोबिलिटी कितनी दी हुई बच्चों 1.6 दी हुई है, ठीक है। तो सीधी सी बात है 1.6 × 1.6 को मल्टीप्लाई करना है आपको, अच्छा कंडक्टिविटी नहीं निकालनी है हमको, रेजिस्टिविटी निकालनी है, ये आ जाएगा 1/σ, तो 1/1.6 × 1.6 ये आ जाएगा 0.39। ये जेई में आए हुए क्वेश्चन है दोनों, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये सेशन, आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, अगर रहा होगा तो बिल्कुल आप कमेंट करके लिखो कि कैसा लगा आपको ये सीरीज, क्या आपको और भी ऐसे वीडियोस चाहिए या नहीं, ठीक है। और बच्चों अगर अगर आप अपनी तैयारी और अच्छा करना चाहते हो तो आपके लिए सुनहरा अवसर है, देखो जेई के नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं सभी के लिए, चाहे वो 21 टारगेट हो चाहे 22 हो, तो 21 में बच्चों अभी भी मेंस की आप तैयारी अच्छे से कर सकते हो, उसके लिए 23 मार्च से एक बैच चालू हो रहा है, ये बिल्कुल ज्वाइन कर लो, और एडवांस के लिए भी बैच चालू हो रहा है, रैंक रिफाइनर बैच, ये है 26 से, इसके अलावा मेंस और एडवांस के लिए बच्चों
ट्वेल्थ वालों के लिए अर्ली उत्कर्ष बैच है, ये 26 मार्च से है, और जेई एडवांस 2021 के लिए न्यूक्लियस बैच स्टार्ट हो रहा है बच्चों 24 मार्च से। ठीक है, आने वाले जो टेस्ट है वो आप देखोगे कि अनअकैडमी का स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट है 21 मार्च से, एस्पायर टारगेट जेई है 20 मार्च से, लास्ट माइल टारगेट है 20 मार्च से, इसके अलावा विपुल बंगा द्वारा बनाया गया एक्सप्रेस टेस्ट है 18 मार्च से, और अनडिफीटेड टेस्ट है आकाश श्रीवास्तव द्वारा बनाया हुआ 17 मार्च से, इसके अलावा चैप्टर वाइज डीपीपी जो है वो 16 मार्च को है हो चुका है। ठीक है, तो ये बैचेस की इंफॉर्मेशन फिर से मैंने बता दिया। इसके अलावा आप अनअकैडमी का टेस्ट दे सकते हो बच्चों, क्योंकि आपको जो है टेस्ट रेगुलर इंटरवल पर देते रहना चाहिए। अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट जो है हर संडे को 12-3 बजे के बीच में है, आप अनलॉक कर सकते हो बाय रवि एस। ठीक है, इसको बनाया गया है टॉप एक्सपर्ट्स के द्वारा, एग्जाम एक्सपर्ट्स के द्वारा, और आपको पता चलेगा अपना रैंक, आप इसमें लाइव बैठ सकते हैं और आपको अपना ऑल इंडिया रैंक पता चल जाएगा, आपको पेपर के बाद एनालिसिस मिलेगी और मिलेंगे शॉर्ट ट्रिक्स और कैसे बनाया जाए उससे रिलेटेड वीडियोस। ठीक है, और आप बिल्कुल फ्री में इनरोल कर सकते हो इसको और आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी के ऐप पर सो दैट यू कैन ज्वाइन माय स्पेशल क्लासेस, और टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर लो सो दैट यू कैन गेट नोट्स। थैंक यू बच्चों, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे बटन दबाओ। थैंक यू।